गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू योगा द फिटनेस। आई एम प्रगति शर्मा, योर स्वास्थ्य चिंतिका। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉर्निंग योगा, जिससे हमारा डे और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बनेगा। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी अपना मैट अपने साथ लेके आइए और आज का योगा शुरू करें। चलिए तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे ब्रजासन से। तो अच्छी तरह से अपने पैरों को मोड़ के अपने दोनों हिल के बीच पे अपने बटक को रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए और अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। और सबसे पहले अपने हमने दोनों शोल्डर को रोटेट करेंगे। तो इस तरह से अपने शोल्डर को रोटेट कीजिए, धीरे धीरे आराम से रोटेट कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहिए और अपने शोल्डर को रोटेट करते रहिए। अब दूसरे साइड इस तरह से रोटेट कीजिए, जिससे आपके जो शोल्डर का जो स्ट्रपिनेस है वो कम हो। तो इस तरह से आपने शोल्डर को रोटेट कीजिए, देन रिलैक्स। अब इनहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को हमने पीछे की ओर ले जाएंगे। इनहेल करते हुए बॉडी को पीछे की ओर ले जाइए, अपने शोल्डर को पीछे की ओर खींचिए, देन एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। अगेन इनहेल करते हुए बॉडी को पीछे की ओर ले जाइए, देन एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। लास्ट बार हम लोग पीछे क्यों ले जाएंगे बॉडी, इनहेल करते हुए बॉडी को पीछे क्यों ले जाइए, देन एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। कम टू सेंटर, रिलैक्स। अपने दोनों थाइस के बीच इस तरह से हम लोग डिस्टेंस बना लेंगे थोड़ा सा, और अपने साइड बॉडी को इस तरह से अपने हाथों को साइड की ओर खींचिए। जितना आप खींच सकते अपने बॉडी को खींच के रखिए और अपने हेड को मैट पर कम से कम 5 डिग्री तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, आप अपनी बटक को पीछे की ओर खींच के रखिए और हाथों को आगे की ओर अच्छे से डीपली स्ट्रेच कीजिए। जहाँ तक आप कंफर्ट है, अपने बॉडी को साइड साइड स्ट्रेच कीजिए। 5 डिप ब्रीथ तक इसी पोस्टर में हम लोग रुकेंगे। आफ्टर फ्यू सेकेंड इस तरह से स्क्रॉल करते हुए हम लोग आएंगे दूसरे साइड में। अगेन अपने हाथों को आगे की ओर खींच के रखिए और 5 डिप ब्रीथ तक इसी पोजिशन में रहिए। अपने हेड को अपने मैट पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। बटक को पीछे की ओर खींच के रखिए। टेक अ ब्रीथिंग। आफ्टर फ्यू सेकेंड कम टू सेंटर, अपने हाथों को स्क्रॉल कीजिए और वी विल कम ऑन टू आवर ऑल फोर्स। अपने ऑल फोर्स पे आ जाइए इस तरह से। अब फर्स्टली अपने हिप को इस तरह से राइट की ओर शिफ्ट कीजिए और अपने का इस तरह से रोटेट करते अपने काफ पे बैठते हुए अपने पूरे बॉडी को इस तरह से रोटेट कीजिए। अगेन साइड की ओर अपने हिप को लिफ्ट कीजिए और इस तरह पूरी तरह से बैठते हुए अपने अपने बॉडी को रोटेट कीजिए। कम से कम 5 टाइम इस तरह से अपने बॉडी को रोटेट कीजिए। अब इसी तरह दूसरे साइड से अपने हिप को लेफ्ट साइड में लेके जाइए, पीछे की ओर बैठते हुए अपने बॉडी को इस तरह से रोटेट कीजिए। इस तरह से अच्छी तरह से रोटेट कीजिए, सिर्फ 5 टाइम रोटेट कीजिए, इट्स इनफ। ओके, नाउ अब अपने मैं राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से लेके आऊँगी। तो इस तरह से दोनों हाथों के बीच में लेके आइए और लेफ्ट लेग को पीछे की ओर खींच के रखेंगे और दोनों हाथों को इनहेल करते ऊपर की ओर ले जाइए, देन एक्सहेल। इसी पोजीशन में थोड़ी देर रुकिए, ध्यान रखिए आपका जो ऊपर अपर बॉडी है वो स्ट्रेट रहे और थोड़ी देर इस पोजीशन में रहिए, जो स्ट्रेचिंग हो रहा है उसको फील कीजिए। आफ्टर फ्यू सेकेंड अगेन अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पर रखेंगे हम लोग और अब अपने राइट हैंड को इस तरह से ऊपर की ओर राइज कीजिए, इनहेल करते हुए, देन अगेन एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। एक बार इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथ सॉरी एक हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए, देन अगेन एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर, रिलैक्स। अब अपने हम अपने नी को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे और इस तरह से अपनी बॉडी को आगे पीछे इस तरह से स्ट्रेच कीजिए।
स्ट्रेच कीजिए थोड़ी देर के लिए, और अब इस पैर को अपने राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएंगे और वेलकम इनटू अधोमुख श्वासना। इस तरह से अधोमुख श्वासना में आ जाइए और अपने बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग और इस तरह से अपने पैर को स्विच कीजिए धीरे धीरे करके। एक पैर को अच्छे से मैट पे सुला के रखिए और दूसरे पैर के हील्स को इस तरह से ऊपर की ओर ले जाइए। इस तरह से कुछ इस तरह से अपने लेग को स्ट्रेच कीजिए। आफ्टर फ्यू सेकेंड अपने राइट लेग को मैं इस तरह से ऊपर की ओर ले जाऊंगी और अपने दोनों पाम्स के बीच में इस तरह से फिर से रखेंगे और इस तरह से अपने नीज को मैट पर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। अगेन इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। देन एक्सहेल। अगेन कुछ देर इस पोजिशन में रुकिए, अपने बॉडी को होल्ड करके रखिए। आफ्टर फ्यू सेकेंड अगेन दोनों हाथों को इस तरह से अपने पैर के बीच में और अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर ले जाइए इनहेल करते हुए। देन एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर अगेन अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए। अगेन इनहेल करते हुए नीचे की ओर रिलैक्स। अगेन मैं अपने नी को ऊपर की ओर ले जाऊंगी और इस तरह से आगे पीछे करके अपने बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक चेहरे पर स्माइल रखिए और अपने योगा को एंजॉय कीजिए। अगेन अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर ले जाइए। एक बार और इस पोजिशन में अपने लेग को हम लोग स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, जैसे पैरों का जो स्टफिनेस है, जो भी अकड़न है वो भी कम हो और आपको रिलैक्स, आपको एनर्जी मिले आपकी बॉडी को और भी। तो इस तरह से अपने पैरों को थोड़ा देर में मूव कीजिए और अगेन हम लोग बैठेंगे अब ब्रजासना में। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए, अपने हिप के पास लेके आइए और अपने शोल्डर को इस तरह से पीछे की ओर खींच कर रखिए। अच्छी तरह से खींच करके इसे आपके शोल्डर को अच्छे से स्ट्रेचिंग हो, अच्छे से खींच के रखिए जितना आप पॉसिबल है और किस कुछ देर के लिए इसी पोजिशन में बॉडी को होल्ड करके रखें और इनहेल करते हुए अपने हेड को अपने मैट से टच करें, अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाए और इस तरह से अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखें। टेक अ ब्रीदिंग। आफ्टर फ्यू सेकेंड अपने हाथों को इस तरह से रिलीज कीजिए और रेस्ट कीजिए कुछ देर चाइल्ड पोज में इसी तरह। तो इस योगा को घर पे कीजिए, अपने एनर्जी को और भी बढ़ाइए, अपने डे को रिलैक्सिंग और एनर्जेटिक बनाइए। खुद भी कीजिए, घर वालों को भी कराइए और हमेशा हेल्दी रहिए, खुश रहिए और डेली योगा करते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए नमस्ते।